हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। हमारी चल रही है ग्रीस की ट्रैवल सीरीज और अभी हम हैं एथेंस में। और हम अभी जस्ट, आपने अगर हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो पहले वो भी देख लीजिए तो आपको और मज़ा आएगा। और अभी हम जा रहे हैं एथेंस घूमने के लिए। तो एथेंस में पहले तो हम मेट्रो पकड़ के सिटी सेंटर में जाएंगे और देखेंगे कि सिटी सेंटर में क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास आज का दिन है एथेंस के लिए। एथेंस में हमने ज़्यादा टाइम रखा नहीं है क्योंकि हमारी हाईलाइट मेन है सेंटोरिनी, बट एथेंस में भी कुछ एक दो स्पॉट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं तो वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो अभी तो मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं तो देखते हैं मेट्रो स्टेशन कैसा है। एयरपोर्ट के सामने ही मेट्रो का स्टेशन है और अब मैं वहाँ से टिकट ले रहा हूँ मेट्रो ट्रेन की। 30 मिनट्स। ओके, थैंक यू। एयरपोर्ट से सिटी में जाने के लिए ट्रेन की टिकट का कॉस्ट है 9 यूरोस पर पर्सन। ये ऐसे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है ना, तो मेट्रो स्टेशन को ऐसी एंट्री होती है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अभी मेट्रो स्टेशन पे और हम यहाँ से जा रहे हैं एथेंस के सिटी सेंटर की ओर। तो मैंने ये एक मैप के काउंटर पे उन्होंने दिया और इसमें सारे डेस्टिनेशन जो भी हमें कवर करने हैं वो हमने मार्क करवा लिए। और आप क्या बोल रहे थे, नागपुर बहुत बढ़िया हो गया अभी। गडकरी और फडणवीस ने वहाँ पे हवा कर दी नागपुर में। मेट्रो वेट्रो एकदम। तो आप ग्रीस को नागपुर से कंपेयर कर रहे हो? ग्रीस को तो एथेंस को, ग्रीस नहीं एथेंस। एथेंस तो वैसे ही लग रहा है। बाकी हमारा अभी थोड़ा चेंज ऑफ प्लान्स है तो हम पहले सोच रहे थे कि हम डायरेक्टली एथेंस घूमना शुरू कर देंगे, बट हम पहले अभी जा रहे हैं होटल में तो वहाँ पे चेक इन कर देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और फिर शाम में घूमने निकलेंगे। सो गाइज, हमने हमारे होटल में चेक इन कर दिया है एथेंस के होटल में। तो यहाँ पर हम अभी एक रात के लिए रुके हैं बेसिकली, क्योंकि जो संतोरिनी जाने की फेरी है वो सुबह 7 बजे निकलती है एथेंस से, इसलिए हमें यहाँ पे एक नाइट का स्टे किया है और अगले दिन फिर कल सुबह हम जाएंगे संतोरिनी। तो आपको क्विकली हम होटल का टूर दे देते हैं। तो रेडी हो गए बाहर जाने के लिए, बट उसके पहले रूम टूर दे देते हैं। तो अंदर आ जाइए और आते से ही आपको दिखेगा ये बेड। पहले इधर आते हैं तो बड़ा सा ये बेड है और हम एक ही दिन के लिए यहाँ पे, कल तो हमारी फेरी है। और यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल, थोड़ा बहुत हमने सामान अपना रख दिया है यहाँ पे। और यहाँ जैकेट्स हैंग करने के लिए है यहाँ पे कबर्ड। और ये आता है यहाँ, और यहाँ पे आता है ये बाथरूम। बाथरूम भी एकदम अच्छा है। ये शॉवर एरिया, बस ये बेसिन वगैरह। और यहाँ पे ये छोटे छोटे दिए हैं यूज करने के लिए, शॉवर जेल और शैम्पू जेल और ये सोप, ये सब कुछ है। और ये शायद ड्रायर है ना, मुझे लगता है ये हेयर ड्रायर है। और इधर सबसे, अरे यार ये टीवी भी है छोटी सी। टीवी तो यूज नहीं करेंगे अब फॉर श्योर। और इधर है बालकनी, तो बालकनी बहुत ही क्यूट है। आ जाइए यहाँ, और यहाँ बालकनी में ये चेयर्स और टेबल दिया है। और यहाँ से आता है ये व्यू, इतना सुंदर व्यू है ना, बहुत ही मस्त है। आधा एथेंस तो मुझे लगता है हम यहाँ से ही देख लिया। नहीं यार, बहुत बड़ा है एथेंस तो। हाँ, मतलब जब ट्रेन से आए कितना बड़ा है ना वो एरिया। हाँ। जब मेट्रो से आए अंदर, एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट मतलब काफी बाहर है एथेंस। हाँ। के तो वहाँ से आने में कम से कम 45 मिनट्स लग जाते हैं सिटी में आने में। और हम तो और दूसरे एंड पे आए हैं कि यहाँ से इसके, इस बिल्डिंग के पीछे ही कहीं पे पोर्ट है। चलो अभी चलते हैं बाहर घूमने। सो एथेंस में घूमने का बढ़िया तरीका है उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि है मेट्रो, क्योंकि वही बहुत फास्ट है। तो सब लोगों ने हमें यहाँ पे यही सजेस्ट किया। एयरपोर्ट पे भी जो इन्फॉर्मेशन सेंटर था वहाँ पे भी उन्होंने वही बताया कि मेट्रो से ट्रैवल कीजिए। तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे देखिए ऐसी मशीन्स लगी हुई है और आप यहाँ से डायरेक्टली टिकट ले सकते हैं, तो आपको कैश चाहिए होता है। तो मैंने एक टिकट मेरे लिए तो निकाल ली है, बट अब मैं कल लेने के लिए निकाल रहा हूँ। Please select function. इसमें travel product. Select travel product. इसके बाद हमें एथेंस एरिया टू ट्रिप्स ले रहे हैं हम, ताकि आना और जाना दोनों हो जाए। Cash. Insert money. इसमें भी
हमारी टिकट आ चुकी है, हो गया अभी, बस ये टिकट स्कैन करके हम मेट्रो स्टेशन में एंटर कर सकते हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं एथेंस के सिटी सेंटर में, और देखिए यहाँ पे तो मतलब अलग ही माहौल है, क्या तो रश है यहाँ पे और क्या तो पब्लिक है, बाप रे। देखो सामने कितनी रश है, मुझे तो पुणे की तुलसी बाग की याद आ रही है। तुलसी बाग में भी ऐसे ही होते हैं ना, बहुत सारे दुकानें, और हम जाने वाले एक्रोपोलिस। यस, चलो इस साइड से आता है क्या? हाँ, बेसिकली ओल्ड टाउन एरिया है, उसका हाँ। एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। शशांक को कुछ मिल गया शायद, मैग्नेट्स। ये क्या है, बट अलग ही नाम लिखा हुआ है, उसका आइलैंड एक। आप बता दो गाइस कौन सा अच्छा लगा आपको। ये वाला लिया गाइस। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं एक्रोपोलिस सिटी के पास। तो एथेंस सिटी में ये एक्रोपोलिस का बोल सकते हैं टाउन है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टाउन है वर्ल्ड का, राइट। तो ये 3 acres का ऑलमोस्ट एरिया है, और उसके आप देख सकते हैं कि इसको इन्होंने मतलब एक हेरिटेज साइट बना के रखा है, और यहाँ पे आप ऊपर भी जाके देख सकते हैं उसको, पास से देख सकते हैं। वैसे तो वहाँ पे मतलब एज सच है नहीं कुछ, वो बस मॉन्यूमेंट बना हुआ है, और उस ये 5 PM अभी बंद हो जाती है, बट अगर 5 PM से पहले आप यहाँ पे आते हैं तो आप टिकट लेके वहाँ तक ऊपर तक जा सकते हैं और वो देख सकते हैं। हमारे लिए मेन अट्रैक्शन तो वैसे सेंटोरिनी था, बट उसके लिए हमें यहाँ पे एक रात रुकना था, इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट अगर आपको इंटरेस्ट है ग्रीक हिस्ट्री में और वो जानने में वगैरह क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप जल्दी आ सकते हैं, तो 5 PM आपको आना पड़ेगा। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं ग्रीस की पार्लियामेंट देखने के लिए, तो वहाँ पे गार्ड्स की चेंजिंग सेरेमनी होती है, गार्ड चेंजिंग सेरेमनी, तो वो देखेंगे। हर एक घंटे बाद वो परेड होती है वहाँ पे 24 hours के लिए, 24 hours। और ये जो है ये पूरा फेंस से कवर कर दिया है, तो अंदर नहीं जा सकते, राउंड होगा, तो आप चाहते हैं तो यहाँ से चक्कर भी लगा सकते हैं। इसके बाजू में इसका एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है, वहाँ पे भी काफी सारे चीजें रखी हुई है, बट वो भी बंद है ना। हाँ वो भी बंद है, वो भी 5 PM म्यूजियम भी वो बंद हो जाता है, और ये साइट भी बंद हो जाती है। हमारे जिसने यहाँ बहुत लोग है जो रात को देखने आ रहे हैं, नहीं हाँ, तो रात दिखता है वैसे कैमरा में इतना सही से नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगे हुए तो बहुत अच्छा दिख रहा है, और बहुत लोग आके यहाँ पे अभी इस टाइम पे फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। कल्याणी तो बोले कि ये खंडर जैसा ही है, क्यों कल्याणी? लेन में घूम रहे अभी, अरे इतने छोटे लेन में भाई ने कार डाल दी अभी यहाँ पे, नहीं तो वो रोड ही होगा, उसका घर होगा यहाँ पे। प्लीज हम घूमते घूमते यहाँ पे अभी एक मार्केट एरिया है जिसका नाम है प्लाका, तो हम यहाँ पे आए हैं, और एक अलग ही एम्बियंस यहाँ पे बना हुआ है। तो एक हिली एरिया टाइप है, और वहाँ पे स्टेप्स है जहाँ पे इन्होंने साइड में पूरे रेस्टोरेंट्स लगाए हैं, इतना सही एम्बियंस बन रहा है, आप देख सकते हैं। How come the stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are। ये देख के कुछ आपको याद आ रहा है? अगर आपने ट्रॉय मूवी देखी होगी तो उसमें भी दिखाया था ये हरक्यूलिस, तो यहाँ के ये लोग ऐसे ही हेलमेट पहनते थे। सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं ग्रीक पार्लियामेंट, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है पूरी, और ये एरिया बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन है और फाउंटेन वगैरह, तो बहुत ही बढ़िया एरिया है। और यहाँ पे ही होती है चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी, जो अपन जाके अभी देखेंगे पार्लियामेंट, और उसके सामने का एरिया देखिए कितना ज़बरदस्त है। क्या करना है कल्याणी, अभी गार्ड्स के पास चलते हैं, वहाँ पे देखो वही 2 guards खड़े हैं, वही चेंज करेंगे शायद।
शिफ्ट दो ही करेंगे। हाँ बहुत गुस्सा आएगा मुझे, ज्यादा लोग चाहिए। ज्यादा लोग क्या, ये क्या परेड, मतलब ऐसे लोग थोड़ी निकलते, वो चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी है। हाँ। तो उसमें सिर्फ वो गार्ड अपने ये बदलते हैं, तो वो आएंगे दो तीन लोग ऐसे लेफ्ट राइट करते हुए और वो चेंज करेंगे शिफ्ट अपनी और वापस। नहीं देखा है मैंने कभी। हाँ। पार्लियामेंट के सामने ये दो गार्ड्स खड़े हैं, अब बताइए मुझे ये पुतला है या सही में बंदा है असली। एकदम पुतले मतलब जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। हाँ। इनको खुजली वगैरह हो गई तो क्या करते होंगे यार? क्या बता, पूछो जाके पूछ लो। मतलब एक घंटा इनको ऐसे, हाँ एक घंटा इनको ऐसे हल्ला नहीं, बिल्कुल हल नहीं रहे वो दो बंदे हैं। पूछ लो, पूछना है तो पूछ लो। ये व्हाइट लाइन के सामने तो नहीं जाने दे रही, ये व्हाइट लाइन के इधर ही रहना है। बंदा हल ही नहीं रहा यार, गुदगुदी की तो नहीं हलेगा, हलेगा ना, क्यों नहीं हलेगा। कहे नहीं, ये तो कॉकरोच का स्लोमो कर रहे बोला, डीआईडी वाला जो रहता है स्लो मोशन में एकदम। So guys, पीछे हमारे चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी चल रही है जो कि थोड़ा स्लो मोशन में मुझे लग रहा है, बट कुछ नया था, ऐसा पहले हमने कभी देखा नहीं था कि चेंज ऑफ गार्ड्स होते हैं। मैंने तो बस इंग्लैंड के बारे में ही सुना था, लंदन में जो होता है बकिंगम पैलेस में, तो है कुछ अलग है एक्सपीरियंस। हाँ, तो अभी इसके बाद लोग बहुत आए हैं देखने के लिए। तो इसी के साथ हम हमारा ये ब्लॉग अभी एंड कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह हमारी क्रूज़ है जो कल हमें एथेंस से ले जाएगी सेंटोरिनी, और वो बहुत ही शानदार क्रूज़ होने वाली है। तो उसमें हम ग्रीस के बाकी आइलैंड्स को भी क्रॉस करते हुए वो क्रूज़ जाएगी। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले ब्लॉग में, तो पक्का ज़रूर देखिएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत है और आपको भी। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत है और वही हमारी ग्रीस ट्रिप की मेन हाईलाइट है, उसी के लिए हम आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन। Bye-bye.